हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोसन ने स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस के जो जेई मेंस में आए थे 2016 में या 2017 में या फिर 2018 में। सो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2017 में ऑनलाइन एग्जाम में। आइए देखते हैं क्या है। अ कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड अ बस। मान लीजिए कि यहां पे एक कार है और यहां पे एक बस है, एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। द टू स्टार्ट मूविंग एट द सेम इंस्टेंट बट विथ डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सलेशन। द बस हैज एक्सलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द कार हैज एक्सलेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस कार का एक्सलेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बस का एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द कार विल कैच अप विद द बस आफ्टर अ टाइम ऑफ। सो हमें टाइम फाइंड करना है जब ये कार इस बस को पकड़ लेगा। सो मान लीजिए कि टी इज द टाइम टेकन, टी सेकेंड बाद ये कार बस को पकड़ ले रहा है। सो जो न्यू डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए कि टी सेकेंड में बस एंड कार दोनों ही यहां पहुंच रहा है। सो इन दिस टी सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस जो आएगा वो फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस, सो ये बनेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि बस का इनिशियल स्पीड जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो इसका वैल्यू आएगा हाफ, एक्सलेशन है 2 इंटू टी स्क्वायर, सो इट इज टी स्क्वायर। एंड इन द सेम टी सेकेंड कार जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके लिए इक्वेशन बनेगा एस इक्वल्स टू अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कार के लिए। एंड कार का भी इनिशियल स्पीड जीरो था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, सो यू का वैल्यू जीरो आएगा। एंड इसका अगर हम वैल्यू पुट करें तो एक्सलेशन ऑफ कार दी हुई है 4, सो ये बनेगा 4 इंटू टी स्क्वायर, सो ये आ रहा है 2 टी स्क्वायर। नाउ अगर 30 सेकेंड में कार भी यहाँ पहुँच जा रहा है और बस भी यहाँ पहुँच जा रहा है, सो ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार एस सी, दैट शुड बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। सो ये आएगा 200 प्लस एस बी, सो ये बनेगा 200 प्लस एस बी, एस बी प्लस 200। एंड एस सी का वैल्यू हमने फाइंड किया है 2 टी स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 200। सो यहाँ से आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 200, देयरफॉर टी इक्वल्स टू 10 रूट 2 सेकेंड। सो इन ऑप्शंस में से हमें दिख रहा है कि दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन को अगर हम रिलेटिव लॉजिक मेथड से करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, शायद 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं इसे। अगर रिलेटिव लॉजिक के कॉन्सेप्ट से स्टडी करें तो हम अभी स्टडी करेंगे वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को हम रेस्ट पे मानेंगे। सो इसके लिए इक्वेशन हम लगाएंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड ये मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, मोशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ भी सी बी लगा दें, एक्सलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्योंकि दोनों का यू सेम है, दोनों का यू जीरो है, सो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई सी विथ रिस्पेक्ट टू बी 200 मीटर। सो ये आएगा 200 हाफ एक्सलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये बनेगा एक्सलेशन ऑफ सी माइनस एक्सलेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर। क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस में है तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से एक्सलेशन उनका सब्सट्रैक्ट होगा। सो 200 यहाँ पे आएगा हाफ ए सी माइनस ए बी, दैट मीन्स 4 माइनस 2, दैट मीन्स 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। सो टी इक्वल्स टू रूट अंडर 200, जो कि आएगा आपका 10 रूट 2। सो इस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान हो रहा है, काफ़ी शॉर्ट में हो जाएगा। आंसर सेम आ रहा है दोनों मेथड से, ये एंड ये। ये क्वेश्चन आया था 2017 में। आइए देखते हैं क्या है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम।
सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम की कुछ ग्राफ दी हुई है एंड हमें चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है अगर एक बॉडी को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। सो मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है विद सर्टेन स्पीड यू। सो जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा ये ऊपर जाता जाएगा एंड इसका स्पीड कमता जाएगा, और इसका स्पीड कमता जाएगा दैट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कमता जाएगा। सो यहाँ से हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कमेगा। बट इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम लैप्स हो रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, जैसे जैसे टी बढ़ रहा है वी भी बढ़ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। सो ये ग्राफ गलत है। नाउ इस केस में अगर हम बात करें तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो चुका होगा। सो जैसे टाइम लैप्स हो रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम रहा है एंड मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। सो इन सभी ग्राफ में ये पार्ट सेम दिख रहा है और ये सभी का सभी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम लैप्स हो रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम रहा है एंड टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो चुका है, ये सभी ग्राफ में दिख रहा है। सो अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा एंड अपवर्ड वेलोसिटी को अगर हम पॉजिटिव ले तो जब वो डाउनवर्ड मोशन में होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। सो वो वेलोसिटी जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो अपवर्ड वेलोसिटी अगर हम पॉजिटिव ले रहा है तो डाउनवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव बनेगा। सो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड देन नेगेटिव है, जबकि इस ग्राफ में हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी पहले भी पॉजिटिव था और बाद में भी पॉजिटिव है। सो ये ग्राफ गलत है, जबकि ये ग्राफ इसलिए गलत है क्योंकि एट द सेम टाइम वेलोसिटी हमें पॉजिटिव भी मिल रहा है एंड वेलोसिटी हमें नेगेटिव भी मिल रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट द सेम टाइम वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड भी है एंड डाउनवर्ड भी है विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगेन ये ग्राफ भी गलत है। सो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम लैप्स हो रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कमता जा रहा है, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गया है एंड उसके बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगा है बट वेलोसिटी नेगेटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में अपना मोशन स्टार्ट कर चुका होगा। सो ये ग्राफ करेक्ट है। ये क्वेश्चन आया था 2017 में, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ग्राफ कोरस्पॉन्ड्स टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट नेगेटिव एक्सलेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। सो क्वेश्चन में दी हुई है कि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है और नेगेटिव है। नो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा है, ऑप्शन ये सब है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर हम यहाँ पे स्लोप फाइंड करें, स्लोप का एंगल फाइंड करें विद द टाइम एक्सिस, तो यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें विद द टाइम एक्सिस, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें विद द टाइम एक्सिस और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें विद द टाइम एक्सिस, तो हमें दिख रहा है कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सेम नहीं है, एंगल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप इक्वल्स टू एक्सलेशन होता है, दैट मीन्स टैन थीटा इक्वल्स टू एक्सलेशन होता है, और क्योंकि थीटा बढ़ता जा रहा है तो एक्सलेशन यहाँ बढ़ता जाएगा, जबकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक्सलेशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सलेशन आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव एक्सलेशन आ रहा है एंड एक्सलेशन कॉन्स्टेंट नहीं है। सो ये ग्राफ गलत है। इस ग्राफ में भी हमें दिख रहा है कि धीरे धीरे एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्योंकि स्लोप डिफरेंट है। सो ये भी ग्राफ गलत है। नो ये ग्राफ को अगर चेक करें तो ये है वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ और ये भी है वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। सो ये दो ग्राफ्स हैं जिसे हमें चेक करना पड़ेगा। सो इस इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं, एक्सलेशन ए को हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ सी। नो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ सी डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये आएगा वी स्क्वायर बाई टू और ये आएगा माइनस सी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस इक्वेशन को अगर हम चेक करें तो वेन एक्स इज जीरो, जब एक्स जीरो होगा तो जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा टू के का रूट, दैट मीन्स जब एक्स जीरो होगा तो वेलोसिटी का कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब एक्स जीरो है तो वेलोसिटी इन्फिनाइट है, मतलब ये गलत है, इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब डिस्टेंस जीरो है तो वेलोसिटी कुछ फाइनाइट है, मतलब जब x जीरो है तो वेलोसिटी फाइनाइट है, दैट मीन्स ये ग्राफ इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। सो ये करेक्ट होगा।
नाउ अगर हम ये चेक करें कि वेलोसिटी जीरो कब होगा, इस इक्वेशन से हम अगर हम चेक करें कि वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी अगर जीरो हुआ तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा के बाई सी, दैट मीन्स कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। सो वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्स फाइनाइट होगा। इस केस में आपको दिख रहा है इस ग्राफ में कि जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्स का वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, जबकि इस ग्राफ में हमें शो कर रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्स इन्फिनाइट होगा। दैट मीन्स ये ग्राफ इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सो ये ग्राफ गलत है एंड ये सही है। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। सो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर इज। सो हमारे पास ऑप्शंस कुछ ऐसा है। सो मान लीजिए कि यहां पे एक कार है एंड ये मूव कर रहा है बाय 40 किलोमीटर पर आवर। सो ये मूव कर रहा है बाय 40 किलोमीटर पर आवर एंड हमने यहां पे ब्रेक लगाया तो ये 40 मीटर दूर पे जाकर के रुक जा रहा है। सो मान लीजिए कि ये यहां पे जाकर के स्टॉप कर रहा है। सो ये डिस्टेंस है 40 मीटर क्वेश्चन में दी हुई है। नाउ इन द सेकेंड केस अगर यही कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता, 80 किलोमीटर पर आवर से, एंड अगर हमने 80 किलोमीटर पर आवर एंड अगर हमने सेम रिटार्डिंग फोर्सेस में लगाए होते ब्रेक लगा करके, तो ये कितने दूर पे जाकर रुकता ये हमें फाइंड करना है। सो मान लीजिए कि ये यहाँ कहीं जाकर के रुक रहा है। सो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। मान लीजिए कि ये एस है। सो इसके लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वे वी इज द फाइनल वेलोसिटी और इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे जाकर के ये रुक जा रहा है। सो ये जीरो आएगा, यू स्क्वायर जो कि 40 है, सो 40 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यू स्क्वायर माइनस 2as, एस का वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट है 40, माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, स्पीड उसका धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। सो ये आएगा 80a इज इक्वल टू 40 इंटू 5/18 का स्क्वायर। सो लेट दिस बी इक्वेशन वन। नाउ अगर यही इक्वेशन हम इस मोशन के लिए लगाएं तो इसका इक्वेशन बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें v इसका भी जीरो होगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसका भी जीरो है, वो फाइनली रुक जा रहा है। सो ये बनेगा जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर 80a इस बार, सो 80 इंटू 5/18 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और उसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइनस 2as, अगेन माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डिंग मोशन है। सो यहाँ से हमें मिल रहा है 2as इज इक्वल टू 80 इंटू 5/18 का स्क्वायर, ये इक्वेशन टू। नाउ ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो ये बनेगा 2as बाई 80a, 80a इज इक्वल टू 80 इंटू 5/18 का स्क्वायर, 80 इंटू 5/18 का स्क्वायर डिवाइड बाय 40 इंटू 5/18 का स्क्वायर, 40 इंटू 5/18 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। सो ए दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 40, 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 40 80 कैंसिल होगा, 2 बनेगा यहाँ पे और 2 पे एक स्क्वायर है, दैट मीन्स ये बनेगा 4। सो ये s इक्वल्स टू आएगा
फोर इंटू 40 दैट मीन्स 160, क्योंकि ये 40 नीचे है और 4 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, सो एस इक्वल्स टू 160 आ रहा है, एस इक्वल्स टू 160, सो ये करेक्ट ऑप्शन है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, सो आइए देखते हैं क्या है। ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। सो ये फोर ग्राफ्स जो दी हुई है, इसमें से कोई तीन ग्राफ सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक कोई और मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो कौन सा तीन सेम है वो हमें फाइंड करना है। सो ये ग्राफ देख करके आपको याद आ गया होगा, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि ये ग्राफ कौन सी मोशन के लिए बनता है। ये ग्राफ था, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, तो ग्राफ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है। जैसे जैसे टाइम लैप्स होता जाता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कमता जाता है, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है, एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे फिर से टाइम लैप्स होने लगता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिर से बढ़ने लगता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता है जब ये डाउनवर्ड मोशन में जा रहा होता है। तो सो इस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम के लिए। नौ इसी मोशन में अगर हम पोजिशन टाइम का बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम का बात करें, तो जैसे जैसे टाइम लैप्स हो रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा कॉन्स्टेंट एक्सलेशन से, सो पोजिशन टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, एंड ये पॉइंट होगा, ये टाइम रिप्रेजेंट करेगा जब वो टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। सो आप देख सकते हैं ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्टेंट एक्सलेशन एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नाउ टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद जैसे जैसे और टाइम लैप्स होगा, इसका पोजिशन कमने लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कमने लगेगा एंड ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सो ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अगर हम चेक करें ये ग्राफ को, तो ये है वेलोसिटी पोजिशन ग्राफ। सो जैसे जैसे पोजिशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसका पोजिशन, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, पोजिशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम रहा होगा, और ये ग्राफ भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे पोजिशन बढ़ रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम रहा है एंड एक्सलेशन कॉन्स्टेंट होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जब वो टॉप पॉइंट पे पहुंच गया। टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद जैसे जैसे और पोजिशन कम रहा होगा, वापस यहाँ भी दिख रहा है कि पोजिशन कम रहा है एंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, बट इस बार जो वेलोसिटी बनेगा डाउनवर्ड मोशन के लिए वो नेगेटिव बनेगा। सो ये अपवर्ड मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये डाउनवर्ड मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये ग्राफ भी इसी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपने ये देख लिया कि ये ग्राफ एंड ये ग्राफ सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स ये ग्राफ गलत होगा। चेक कर लेते हैं इसे। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस मोशन में जो बनेगा वो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन होगा एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन बनेगा, इस एग्जाम्पल का जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एंड क्योंकि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, सो जब तक ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तब तक डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो इक्वेशन बनेगा एंड डिस्टेंस टाइम का जो इक्वेशन बनेगा वो सेम बनेगा। हेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ बनेगा और डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो बनेगा वो सेम बनेगा जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तब तक। सो ये पार्ट नहीं बनेगा। सो अगर आपको चेक करना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा इस मोशन के लिए, तो जब तक वो टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ, तब तक ग्राफ सेम होगा। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा जब तक कि वो टॉप पॉइंट पे न पहुंच जाए। टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद जैसे जैसे और टाइम लैप्स हो रहा होगा, डिस्टेंस अब बढ़ने लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है एज वेल एज कभी डिक्रीज भी नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि पोजिशन कमता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कमता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं कमेगा। सो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ बनेगा टॉप पॉइंट से जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तब तक के लिए जो ग्राफ बनेगा वो ठीक इसका मिरर इमेज बनेगा इन द पॉजिटिव साइड। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनेगा इस मोशन के लिए वो कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा। दैट मीन्स ये ग्राफ गलत है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये गलत है। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, सो आइए देखते हैं इसे। अ मैन इन अ कार एट लोकेशन क्यू ऑन अ स्ट्रेट हाईवे इज मूविंग विथ स्पीड वी,
एक मैन कार में है यहाँ पे एंड ये हाईवे है, सो वो स्पीड वी से मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन. ही डिसाइड्स टू रीच अ पॉइंट पी इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द हाईवे पॉइंट एम एज शोन इन द फिगर. सो ये मैन डिसाइड करता है पॉइंट पी पे पहुंचने का, जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हाईवे डी है. ये है हाईवे एंड ये है फील्ड एंड इस फील्ड में पॉइंट पी पे वो पहुंचना चाहता है एंड उस पॉइंट पी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हाईवे डी है. स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ टू दैट ऑन द हाईवे. सो स्पीड ऑफ द कार इस फील्ड में हाफ है जितना कि हाईवे पे है. तो हाईवे पे अगर वी हमने लिया है तो यहाँ पे स्पीड वी बाई टू है. वॉट शुड बी द डिस्टेंस आर एम सो दैट टाइम टेकन टू रीच पी इज मिनिमम. सो आर एम का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट वो शॉर्टेस्ट टाइम में यहां से यहां तक पहुंच जाए. सो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है एक्स एंड टोटल डिस्टेंस है एल. सो दैट ये डिस्टेंस आएगा एल माइनस एक्स. एंड ये डिस्टेंस आएगा आर पी वाले रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से. सो टोटल टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम हियर टू पी बनेगा टोटल टाइम टी इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू, वेयर टी वन इज द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर एंड यहां से यहां जितना जाने में टाइम लग रहा है उसे टी टू मान लीजिए. सो टाइम टी इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी. सो ये टी वन इक्वल्स टू आएगा दिस डिस्टेंस बाई दिस वेलोसिटी. सो एल माइनस एक्स बाई वी. और टी टू टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर आएगा ये डिस्टेंस बाई ये वेलोसिटी. सो ये आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई वेलोसिटी और यहाँ का वेलोसिटी है वी बाई टू. सो ये आएगा बाई वी बाई टू. ये टू ऊपर चला जाएगा सो हमने यहाँ लिख दिया. नाउ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू एल बाई वी माइनस एक्स बाई वी प्लस टू बाई वी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हम मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कैलकुलस में है. फॉर टाइम टी टू बी मिनिमम, टाइम टी टू बी मिनिमम डी टी बाई डी एक्स शुड बी जीरो. ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है जो कैलकुलस में है. सो टाइम टी को मिनिमम होने के लिए डी टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू दिस डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो होना पड़ेगा. सो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सो दैट हमें डी टी बाई डी एक्स मिल जाए. सो ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो आएगा, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बाई वी ये बनेगा वन बाई वी प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टू बाई वी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. सो ये आएगा माइनस वन बाई वी प्लस 2 बाई वी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन के और ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ. इस रूट को हम पावर हाफ में लिख सकते हैं. सो ये बनेगा 1 बाई वी माइनस ऑफ 1 बाई वी प्लस 2 बाई वी इंटू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ माइनस वन. सो ये बनेगा माइनस हाफ एंड चेन रूल से हमें इसे भी एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा टू एक्स. सो ये मल्टीप्लाई में जाएगा टू एक्स एंड इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. सो ये बन रहा है माइनस वन बाई वी प्लस ये टू कैंसिल हो जाएगा वन बाई वी इंटू टू एक्स बाई रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, माइनस हाफ है तो ये नीचे जाएगा एंड पावर हाफ है तो रूट लग जाएगा। बट फॉर टी टू बी मिनिमम डी टी बाई डी एक्स को जीरो होना पड़ेगा, सो इसे जीरो होना पड़ेगा। सो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा वन बाई वी इज इक्वल टू टू एक्स बाई वी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड इसको हम यहाँ ला दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। सो ये बन रहा है डी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू डी बाई रूट थ्री, रूट ऑन बोथ साइड। सो एक्स का वैल्यू हमें मिल गया, इट इज डी बाई रूट थ्री, एंड यही डिस्टेंस हमें फाइंड करना था आर एम। सो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना था जिसे हमने एक्स मान रखा है, सो इसका वैल्यू आया डी बाई रूट थ्री। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। सो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द वेरिएशन ऑफ द स्पीड वी एंड एक्सलेशन ए ऑफ अ पॉइंट मास फॉलिंग वर्टिकली इन अ विस्कस मीडियम दैट अप्लाइज अ फोर्स एफ इक्वल्स टू माइनस के वी वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑन द बॉडी। सो ये फोर ऑप्शन है हमारे पास और इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो केस कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये एक लिक्विड सरफेस है एंड यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को जस्ट रिलीज किया है। सो थोड़ी देर बाद मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच चुका है इन दिस लिक्विड। अभी इस मोमेंट पे जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो होगा एक नीचे की तरफ एम जी और एक फोर्स होगा विस्कस फोर्स जो उसका मोशन को अपोज कर रहा होगा। सो ये फोर्स होगा के वी एंड यहां पे हमें माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, ये जो माइनस है यहां हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा फोर्स उसके उल्टे साइड लगेगा। सो यहां वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सो फोर्स हमने के वी ऊपर की तरफ दिखा दिया है, सो यहां माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। एंड सपोज इसका इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन यहां पे ए है, सो फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है कि एफ नेट इक्वल्स टू एम ए और एफ नेट आएगा एम जी माइनस के वी, तो ये बनेगा एम जी माइनस के वी इक्वल टू एम ए एंड एक्सलेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, क्योंकि हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन चाहिए एज वेल एज एक्सलेशन और टाइम का रिलेशन चाहिए सभी केसेस में। सो इसे हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जी माइनस के बाई एम इंटू वी, एम से हमने डिवाइड कर दिया है बोथ साइड। सो डी वी बाई दिस जी माइनस के सम कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। सो कॉन्स्टेंट बाई कॉन्स्टेंट एक नया कॉन्स्टेंट बनेगा जिसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं, सो सी वी, सी का वैल्यू है के बाई एम और यहाँ पे जाएगा डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो व्हेन द टाइम इज जीरो, यहाँ पे जब टाइम जीरो है वेलोसिटी जीरो बनेगा एंड व्हेन द टाइम इज टी, कभी भी मान लीजिए कि वेलोसिटी है वी का वैल्यू वी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये आएगा एल एन जी माइनस सी वी बाई कोफिशेंट ऑफ वी जो कि माइनस सी है एंड इसका इंटीग्रेशन आएगा टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद भी टी आएगा जबकि इसमें लिमिट होगा जीरो टू वी। सो इसे अगर हम करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें अगर हम पुट कर दें तो ये आएगा एल एन जी माइनस
सी वी बाई माइनस सी, और जब हम जीरो पुट करेंगे वी के जगह पे तो ये आएगा माइनस एल एन जी, ये जीरो बन जाएगा ये टर्म बाई माइनस सी इज इक्वल टू टी। सो ये क्वेश्चन बनेगा। नाउ माइनस सी को हम कॉमन लेकर के यहां कर दे तो ये बनेगा एल एन जी माइनस सी वी माइनस एल एन जी इक्वल टू माइनस सी टी। लॉग का यहां प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस बनेगा लॉग ऑफ दिस डिवाइड बाई दिस, ये लॉग का फॉर्मूला है। सो एल एन जी माइनस सी वी बाई जी इज इक्वल टू माइनस सी टी। लॉग का एक और प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहां पे बेस ई है तो दिस टू द पावर ऑफ दिस बनेगा दिस, सो ये बनेगा वन माइनस जी बाई जी वन हो जाएगा माइनस सी बाई जी इंटू वी इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस सी टी। यहाँ बेस जो ई है उसके पे ये पावर पे चला जाएगा। सो ये आएगा वन माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस सी टी इज इक्वल टू सी बाई जी इंटू वी। नाउ हमें v फाइंड करना है तो v इक्वल्स टू आएगा g बाई सी इंटू वन माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस सी टी। सो हमें v का इक्वेशन मिल गया है इन टर्म्स ऑफ t। नाउ अगर इक्वेशन ऐसा होता है y इक्वल्स टू वन माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। सो यहां से हमें दिख रहा है कि जो v का ग्राफ बनेगा टाइम के साथ वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, दैट मीन्स v और t का ग्राफ ये मैच कर रहा है एज वेल एज ये भी। सो या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा, दैट मीन्स ये गलत हो चुका है और ये ग्राफ भी गलत हो चुका है। नो एक्सलेशन को चेक के कंफर्म करते हैं कि इन दोनों में से ग्राफ कौन सा करेक्ट है, क्योंकि इसका एक्सलेशन का ग्राफ कुछ और है, इसका एक्सलेशन का ग्राफ कुछ और है। सो इस v का इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सलेशन मिल जाएगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले इसे मैं एक बार और लिख दूं, v इक्वल्स टू g बाई सी माइनस g बाई सी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस सी टी। मैंने ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। सो इसे अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बनेगा dv बाई dt, और ये कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये बनेगा माइनस ऑफ g बाई सी, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा e टू द पावर ऑफ माइनस सी टी इंटू माइनस सी। एंड dv बाई dt एक्सलेशन होता है, सो a इक्वल्स टू g बाई सी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस सी टी। एंड ये एक c यहां भी है, इनफैक्ट ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा, सो यहां पे c नहीं आएगा। नो अगर इक्वेशन ऐसा हो y इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ माइनस x, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा y x, सो y इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ माइनस x का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा। एंड क्योंकि एक्सलेशन भी हमें वैसा ही मिल रहा है, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ g जो कि कांस्टेंट है e टू द पावर ऑफ माइनस सी टी, सो a और t का जो ग्राफ बनेगा वो भी इसी शेप का बनेगा, दैट मीन्स a और t का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ये गलत है। सो फाइनली हमें दिख रहा है कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।